Yes, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शारिक रिजवी और आप देख रहे हैं इंग्लिश गंज। तो आज का हमारा टॉपिक है मीन वर्ड से कुछ ऐसे शानदार सेंटेंसेस लेके आए हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो। डेली बोलते हैं, डेली यही वर्ड आता है, और लेकिन फिर भी हम इसको इंग्लिश में नहीं बोलते हैं। तो आज से अगर ये सेंटेंसेस हम लोगों को पता हो जाते हैं तो आज से कोशिश ये की जाएगी कि इसको जब भी ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे। ओके गैस, तो मीन वर्ड हमने आज यहाँ पे लिया है। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और इसके अलावा जो है ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हमने आपको जैसे यहाँ पे मीन वर्ड हमने लिया है, तो मीन का मतलब तो सब लोग जानते हैं, है ना। मीन का क्या होता है, मतलब। मीन मीन्स क्या होता है, मतलब, या फिर आप कह सकते हो अर्थ कह सकते हो, ओके, या फिर आशय कह सकते हो। ये इतना सबको पता है, ओके। लेकिन मीन वर्ड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मीनिंग होती है मीन वर्ड की, और वही हम लोग लास्ट में जानेंगे, वीडियो के लास्ट में। ठीक है गैस, तो यहां पे बने रहिए आप लोग हमारे साथ। तो पहला हमारा सेंटेंस है, मतलब क्या है तुम्हारा। अक्सर बोलते हैं मतलब क्या है तुम्हारा, क्या मतलब है आपका, इस बात से क्या मतलब है आपका। तो कैसे कहेंगे इंग्लिश में इसको, इसको इंग्लिश में कहेंगे, यहां पे इसको एरेस कर देते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू मीन। कितना आसान है, व्हाट डू यू मीन, मतलब क्या है तुम्हारा, क्या मतलब है आपका, व्हाट डू यू मीन, इसी तरीके से कहना है। जैसे आप हिंदी में बोलते हो सेम ऐसे एक्सप्रेशन के साथ इंग्लिश में भी बोलना है, तभी वो सुनने में अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। मेरा वह मतलब नहीं था, मतलब होता है ना अक्सर कि आपने गलत मतलब निकाल लिया, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो वहां पे क्या कहेंगे, इसकी इंग्लिश बनेगी, चलिए बनाते हैं, आई डिडंट, आई डिडंट मीन दैट, आई डिडंट मीन दैट, मेरा वह मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन दैट। ओके गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस आते हैं, मेरे कहने का मतलब है, आशय मतलब एक ही चीज है, अक्सर होता है ना, अरे मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है, ऐसे करना चाहिए, या मेरा मतलब है, इसको कैसे बोलते हैं, मेरे कहने का मतलब है, क्या होगा, आई मीन टू से, क्या होगा इसका मतलब, आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है। ओके, इसका क्या मतलब है, मतलब आप कभी कभी कोई चीज, जैसे ये तो ज्यादातर कैसे यूज होता है कि जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, या फिर आप किसी को बता रहे हो, तो वहां पे क्वेश्चन होता है ना कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई वर्ड, उसके बाद आपसे पूछा इसका क्या मतलब है, या फिर कोई बात है और वो कह रहा है कोई सामने वाला, फिर आपने वहां पे पूछा कि क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इस बात का, इसका क्या मतलब है, तो वहां पे कैसे बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका, व्हाट डज इट मीन। ओके गाइस, लास्ट यहां पे आते हैं, लास्ट नहीं है अभी, इससे और भी बहुत ही शानदार सेंटेंसेस हैं मेरे पास, बने रहिए और देखते रहिए, इसको करते रहिए साथ में। मेरा मतलब आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं था। अक्सर होता है ना कोई, आप किसी को कोई बात कहते हैं वो बुरा मान जाता है, तो आप कहते हैं मेरा वो मतलब हरगिज नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब आपको चोट पहुंचाना नहीं था, अब मेरा मतलब आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं था। तो वहां पे क्या कहेंगे, देखिए मेरा मतलब आपको तकलीफ देना नहीं था, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा मतलब आपको तकलीफ देना नहीं था, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा मतलब आपका अपमान करना नहीं था, आई डिडंट मीन टू इंसल्ट यू। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ओके गैस, तो यहाँ पे, यहाँ आप लोगों ने देखा इतने सेंटेंसेस, ऐसे ही अगर आपको ये अच्छे लगे हैं, ये सेंटेंसेस आपको यूजफुल लग रहे हैं, तो अभी ऐसे कुछ और मजेदार सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस कैसे करेंगे देखते हैं। मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं है, अक्सर बोलते हैं आप लोग, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट मीन
डैट एग्जैक्टली, आई डोंट मीन डैट एग्जैक्टली, मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं है, आई डोंट मीन डैट एग्जैक्टली। ओके नेक्स्ट है, इस सब का क्या मतलब है? अक्सर होता है ना, क्या इतनी सारी बातें कर रहे हो, इन सब बातों का क्या मतलब है, आखिर मतलब क्या है इस सब का? तो वहां पे हम क्या कहेंगे, इस सब का क्या मतलब है, what does it all mean, what does it all mean, क्या मतलब है इस सब का, what does it all mean। okay next, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? अक्सर होता है ना बातें करते समय कि अगर हम जैसे अपनी बात को कहना चाह रहे हैं और पूरी बात नहीं कहते, बस आधी अधूरी बात नहीं, हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरी बात समझ गया होगा। ओके तो कहते हैं ना, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है, तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तो वहां पे क्या बोलेंगे, तुम्हें पता है, यू नो व्हाट आई मीन, You know what I mean? और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं क्योंकि आप उसको मतलब ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो समझ रहा होगा या वो आंसर देगा इसका कि हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये अक्सर होता है, यू नो वॉट आई मीन, ऐसे ही बोलना है, यू नो वॉट आई मीन। और अक्सर ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ बात कह रहा होता है तो फिर आपको लगता है अरे ठीक है मैं समझ गया, तो कहते हैं मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है, तो वहां पे क्या कहेंगे, I know what you mean, I know what you mean। यहाँ पे you की जगह I हो जाएगा और यहाँ पे I की जगह you हो जाएगा। Okay guys, next। इसका यह मतलब नहीं कि तुम जो मर्जी वो करो, होता है ना अक्सर कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं या फिर दोस्त को भी कह सकते हैं या फिर फ्रेंड्स वगैरह को, इसका मतलब ये तुम कुछ भी करोगे या तुम जो मर्जी वो करो, इसका मतलब तो ये नहीं है। तो वहां पे कैसे कहेंगे इसको, इसका मतलब ये नहीं, It doesn't mean that you do whatever you want। यहां पे what कह के भी काम चला सकते हैं, लेकिन यहां पे देखिए इसका यह मतलब नहीं कि तुम जो मर्जी वो करो, it doesn't mean that you do whatever you want। It doesn't mean that you do whatever you want। Okay? Next हमारा sentence है, इसका मतलब है तुमने उसे नहीं मारा। अक्सर होता है ना कहते हैं हाँ ठीक है, इसका मतलब है तुमने ऐसा नहीं कहा, इसका मतलब है तुमने ये बात नहीं कही है, इसका मतलब है तुम वहां नहीं गए थे। तो वहां पे इसका मतलब है, तो इसको कैसे शुरू करेंगे, इसको शुरू करेंगे it means और यहां पे क्या दिया मैंने, तुमने उसे नहीं मारा, तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स यू डिडंट हिट हिम, हिट या फिर बीट कहते हैं, इट मीन्स तुमने उसे नहीं मारा, इसका मतलब है कि तुमने उसे नहीं मारा, तो इट मीन्स यू डिडंट हिट हिम, इसका मतलब इट मीन्स यू डिडंट बीट हिम। ओके नेक्स्ट, हर तरह से अब तुम आजाद हो, हर तरह से मतलब ये जैसे आफ्टर लॉकडाउन हम बोल सकते हैं कि अभी लॉकडाउन में कुछ हम लोग पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिट में हम लोगों को रहने के लिए कहा गया है, तो अभी लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तो लास्ट में वहां पे आप कह सकते हैं कि अब तुम हर तरीके से आजाद हो, तो वहां पे कैसे कहेंगे इन सेंटेंसेस को, हर तरीके से तुम आजाद हो, तो ये हो जाएगा बाय ऑल मीन्स यू आर free now, by all means you are free now, कैसे कहेंगे, हर तरह से अब तुम आजाद हो, by all means you are free now। मैं जानता हूं उसके यहां मतलब नहीं था, लेकिन देखिए ये सेंटेंस कैसे बोलते हैं, मान लीजिए आपको किसी ने हर्ट कर दिया, आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है और इसमें से किसी ने आपको हर्ट कर दिया, और फिर बाद में दूसरा आपका दूसरा फ्रेंड जो है ग्रुप में से आया और वो कह रहा है कि अरे वो मतलब बहुत ही अपोलोजाइज कर रहा है, वो सॉरी फील कर रहा है या जो भी है, तो आपको भी पता है, आप कहते हैं ठीक है मुझे पता है कि वो उसका मतलब नहीं था, लेकिन उसने कह दिया होगा या मुझसे निकल गया होगा या इस तरीके की बातें बोलते हैं, तो वहां पे कैसे बोलेंगे, मैं जानता हूं उसके यहाँ मतलब नहीं था, आई नो
ही डिडंट मीन टू से इट, बट यहां पे बट के बाद आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन उसने ऐसा कह दिया या निकल गया या जो भी है, तो मैं जानता हूं इसका यह मतलब नहीं था, लेकिन लेकिन उसने कह दिया होगा, तो आई नो ही डिडंट मीन टू से इट बट। ओके यस, तो यहां पे ये सारे सेंटेंसेस हो गए, लेकिन चलते चलते हम लोग देखेंगे कि लास्ट में हमने कहा था कि मीन से मैं आपको एक बहुत ही मीन का बहुत ही शानदार मतलब बताने वाला हूँ, बहुत ही शानदार यूज है, और उसको कैसे उसका क्या अर्थ होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने कहा था कि मीन का एक और अर्थ होता है और इसको हम लास्ट में बताएंगे। तो मीन का जो है एक दूसरा यूज क्या है, वो है नीच और तुच के लिए यूज होता है, जिसको इंग्लिश में हम स्निकी या मॉकिश बोल सकते हैं। ओके, जैसे कहते हैं कि ही सो मीन, वो बहुत ही खराब है, बहुत ही मीन है, बहुत ही, यहाँ पे नीच या तुच यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट्स सो मीन, मतलब किसी चीज को देख के आप कहते हैं इट्स सो मीन, बहुत ही खराब है, बहुत ही तुच्छ है। ओके, तो मीन का ये यूज होता है, मीन का यूज जो मैथ्स में होता है, मीन मीडियन और मोड के लिए। ओके, मीन वाइल और मीन टाइम दोनों का अर्थ लगभग सेम है, इस दौरान, इस बीच में, इतने में, इसी बीच। तो ये ऐसा जैसे कोई स्टोरी आप नैरेट कर रहे हो, तो वहां पे होता है ना कि मैं खाना खा रहा था, इतने में जो है पिताजी आ गए, या फिर इतने में लाइट चली गई, तो वहां पे इतने में, इस दौरान, इस बीच में, तो इसके लिए मीन वाइल या फिर मीन टाइम का यूज होता है। ओके गैस, तो यहाँ पे हमने मीन और मीन वाइल और मीन टाइम का यूज का अर्थ समझा। यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं इन पे बेस्ड, वो आप लोगों को खुद से बनाने हैं, वो हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। तो इन पे जो सेंटेंसेस बनेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में आप बना के और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इस ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।